1950 से लेकर 1970 तक का काल हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौरान जहां सिनेमा में कई प्रयोग हुए, वही यह समय कई बेहतरीन कलाकारों के सशक्त अभिनय का भी गवाह बना। उन्हीं कलाकारों में से एक थी वहीदा रहमान। उन्होंने एक लंबे अरसे तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों को अपनी मासूमियत, सुंदरता और उम्दा अभिनय के जादू से बांधे रखा। यह वहीदा रहमान की अदाकारी का ही कमाल था कि उस समय के अधिकांश अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक सुशिक्षित तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जिलाधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे, परंतु वहीदा के जन्म के केवल 9 वर्ष बाद यानी वर्ष 1948 में उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी मां भी पिता के मृत्यु के 7 वर्षों बाद चल बसी थी। पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुलु मरई में बाल कलाकार की भूमिका के साथ सिने जगत में कदम रखा। इस समय तक वो भरतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। अब वह भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में वह आई और सिनेमा के रुपेले पर्दे पर छा गई। वर्ष 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देवानंद के साथ सीआईडी में खलनायिका की भूमिका में लिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। यह फिल्म गुरुदत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रहा। कहा जाता है कि वर्ष 1959 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल उन दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ 2 अन्य फिल्में की थी। इनमें वर्ष 1960 की 14वीं का चांद और 1962 की साहब बीबी और गुलाम प्रमुख है। इसके अलावा वहीदा की गुरुदत्त के साथ 2 अन्य क्लासिक फिल्में 12 ओ क्लॉक 1958 और फुल मून 1961 ये भी है। फिल्मों में देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी थी। ये फिल्में सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी की थी। परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों को सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रही। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को उस जमाने में काफी सराहा गया था। रोजी नाम की एक महिला को अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देवानंद के सशक्त अभिनय का परिणाम था। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उसे फिर से गाइड जैसी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह संभवतः ही रोजी जैसे चरित्र को निभा पाएगी। वर्ष 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर वर्ष 1964 में कोरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर के लिए बेहद सफल माना जाना चाहिए। इस दौर में वह हिट फिल्म देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से में सबसे आगे रही थी। उनकी इस दौर की अन्य हिट फिल्मों में वर्ष 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सनम, इसके अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल चार कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख है। ऐसा भी नहीं कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा था। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना तब की समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल बचाए पर्दे से उतर गई थी। फिर वर्ष 1974 में
वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। वर्ष 1959 से 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर और वर्ष 1966 और 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नजदीकी दोस्तों में थी। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1974 में शादी करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी सक्रियता को कम कर दिया था। इस दौरान यानी 1976 और 1994 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थी। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्मों में अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, कुली, मशाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे। फिर वर्ष 2000 में अपनी पति की मृत्यु के पश्चात वो एक बार फिर से अदाकारी की दुनिया में लौटी और अब तक रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी सफल फिल्मों सहित 9 फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी है। यह उल्लेखनीय है कि वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग अलग फिल्मों में माँ और प्रेमिका दोनों प्रकार की भूमिका की है। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में वह अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में थी, तो वर्ष 1978 में प्रदर्शित त्रिशूल में वह अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। हिंदी फिल्मों में सराहनीय योगदान के लिए वहीदा रहमान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल है। अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के साथ विफल प्रेम संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में शगुन नामक एक फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। यह फिल्म तो नहीं चली परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई छोड़कर बेंगलोर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यह गौर करने वाली बात है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वह भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे परंतु वह असफल रहे और अंततः बिजनेस की दुनिया में लौट गए। बेंगलोर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हुआ। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी एमबीए करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, तो वही बेटी काशवी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर है। काशवी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया था, परंतु इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से अलग रही। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।